14.2.4 Improvements in the technology for using conventional sources of energy. हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है। हम पुराना व्हीकल ले और अभी का लेटेस्ट नया बाइक ले तो उसमें एवरेज ज़्यादा आएगी, सेम पर लीटर पेट्रोल में अभी जो नया व्हीकल होगा तो वो ज़्यादा एवरेज देगा, अगर हम व्हीकल की सर्विस करवाते तो भी होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ठीक है। फर्स्ट है बायोमास, सेकंड है विंड एनर्जी पे। तो बायोमास, तो बायोमास बेसिकली क्या है कि हमारा जो काउडंग है, काउडंग है, ठीक है, और भी जो बहुत सारे ग्रास है, ठीक है, जो स्पॉइल्ड फूड है, तो उन सब से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा एक सेटअप होता है, तो उसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट, ठीक। उसमें फर्मेंटेशन होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसके ऊपर पूरा स्टडी है। वी मेंशन अर्लियर दैट वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वुड है तो वो बहुत यूज हुआ है फ्यूल फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक। इफ वी कैन एंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड, अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायर वुड कैन बी अश्योर्ड, ठीक है। तो वुड है बेसिकली, तो वुड कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, तो हमें प्लांट को, ट्रीज को प्लांट करना ज़रूरी है, ठीक है, नए नए पेड़ पौधे उगाने ज़रूरी है, तो ही वुड का सप्लाई हमें कंटिन्यूस मिलेगा। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द यूज ऑफ काउडंग केक्स एज अ फ्यूल, तो गाय का जो गोबर होता है काउडंग, उसको भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। गिवन द लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन ऑल्सो अश्योर अस अ स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो ये वुड है, काउडंग है, तो एक स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल है, ठीक है। तो काउ ग्रास खाएगी और काउडंग देगी। सिंस दिस फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, द सोर्सेज ऑफ दिस फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास, ठीक है। तो ये जो काउडंग है, वुड है, तो बेसिकली वो कहाँ से आता है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो इसको हम बायोमास कहते हैं। तो बायोमास की डेफिनेशन याद रखना, दिस फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, द सोर्स ऑफ दिस फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास। दिस फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग, तो काउडंग है तो उसके क्या बोलते, कैलोरी कम आती है, मतलब हीट पे वो बहुत ही कम देती है, ठीक है। अगर एक केजी काउडंग ले और एक केजी पेट्रोल ले, एक केजी या फिर लीटर, तो वो उससे बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। तो डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, तो वो कम हीट प्रोड्यूस करता है। एंड अ लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट व्हेन दे आर बर्न, तो हमने देखा होगा कि हम जो पेड़ पौधे के जो लीव्स होते हैं उसको हम जलाते हैं या फिर काउडंग को जलाते हैं, जैसे हवन करवाते हैं तब, तो उसमें बहुत ही स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो काउ डंग है तो उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो बायोगैस प्लांट है उससे हम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, इसमें इम्प्रूव किया गया टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई बायोगैस प्लांट, जिससे हमें क्या मिलता है, बायोगैस मिलता है, फिर मैन्योर मिलता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से हमने उसको एफिशिएंसी उसकी इम्प्रूव की, ठीक है। व्हेन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वाटर एंड वॉलेटाइल मटेरियल्स प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड अस एज द रेसिड्यू, तो हमारे पास अगर वुड है तो उसको कम ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, ठीक है, यानी कि एक बंद रूम है तो उसके अंदर हम उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसमें उसको बर्न किया जाए, तो उसके अंदर जो वुड के अंदर जो वाटर है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक वेट वुड एंड ड्राई वुड, वेट वुड एंड ड्राई वुड, तो ड्राई वुड क्या है कि बेसिकली वुड को थोड़ा हीट किया जाए तो उसमें से वो वाटर उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, एंड वॉलेटाइल मटीरियल्स, तो उसके अंदर जो प्रेजेंस है वुड के अंदर, तो वो रिमूव हो जाएगी और वो बन जाएगा चारकोल, ठीक है, कॉल कह सकते हैं उसको, उसको कॉल नहीं बोलता लेकिन वुड में से जो बनता है उसको चारकोल कहते हैं। तो चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, तो चारकोल बर्न होता है तो उसमें कोई फ्लेम नहीं होता, ठीक है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें एक फ्लेम होता है, तो जो चारकोल यहाँ पे जो बच रहा है, जो वुड को हमने जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसको जलाया, बर्न किया, तो वाटर और वॉलेटाइल मटेरियल रिमूव हो गए और चारकोल रहा, तो वो चारकोल विदाउट फ्लेम बर्न करेगा,
इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस एंड हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी। तो हमने जो चारकोल प्रोड्यूस किया तो स्मोकलेस है, उसकी हीट जनरेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी से हमने यूज़ किया कि हमने एक आइडिया सोचा कि वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, तो वो चारकोल बन गया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली काउडंग, तो बायोगैस प्लांट के बारे में, तो वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, पहले मैं प्लांट बता देता हूँ। तो ये पूरा बायोगैस प्लांट है, यहाँ पे एक स्लरी है। तो स्लरी क्या है, बेसिकली काउडंग है, फिर प्लांट के रेसिड्यूस है, ठीक है, बाद में वेजिटेबल का वेस्ट है, ठीक है, फिर हम जब क्रॉप को काट देते हैं, या कि वेट है, राइस है, जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो उसके अलावा का जो वेस्ट रहता है हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद जो बचता है, उन सबको हम एक मिला देते हैं वाटर के साथ, और उसके बाद यहाँ पे बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। 15 में हमने डिकम्पोजर के बारे में बहुत डिटेल में है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, फंगी, तो वो उसको जो कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, तो उसको एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वो एकदम सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में। तो उससे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसके बाद, और फर्टिलाइजर बनता है एकदम हेल्दी, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स है, तो इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्लरी है, फिर सॉइल है, गैस टैंक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसका डिकम्पोज होगा, ठीक है, उसके बाद मैन्योर फॉर्म होगा, फर्टिलाइजर, और यहाँ पे गैस आउटलेट है, तो वो बायोगैस हुआ, उसको हम डायरेक्टली एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था बायोगैस प्लांट का, तो इसका डिटेल में है थियरी। तो काउडंग वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो ठीक है, हमने खेत में क्रॉप हुआ तो उसको काट दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो बाकी बहुत सारे रेसिड्यूज रहेंगे, जैसे मूलिया है, उसके लीव्स है, ठीक है, तो उन सबको, फिर वेजिटेबल वेस्ट है, ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल जो मतलब बिगड़ गए होते हैं, स्पॉइल फूड होता है, तो वो है, एंड सीवेज, ठीक है, आर डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। तो ये बायोगैस के लिए डेफिनेशन याद रख सकते हैं, काउडंग वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एक बंद रूम में हम करें तो ठीक है, तो उसका जितना ऑक्सीजन होगा पहले यूज हो जाएगा, बाद में वो ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे कह सकते हैं। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउडंग, इट इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। तो बायोगैस को एक गोबर गैस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो काउडंग है। बायोगैस इज प्रोड्यूस इन अ प्लांट शोन इन फिगर 14.4। तो यहाँ पे एक प्लांट दिया गया है, उसमें वो बायोगैस प्रोड्यूस होता है। प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विथ ब्रिक्स, ठीक है, तो ईंटे ली जाती है तो उससे एक ब्रिक्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, तो ब्रिक्स से बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक बनाया है अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, मतलब वेंटिलेशन नहीं है, तो ऑक्सीजन आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, अंदर जो है वही रहेगा, थोड़ा बहुत वो यूज हो जाएगा, उसके बाद एब्सेंस हो जाएगा। स्लरी ऑफ काउडंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेर इट इज फेड इन टू द डाइजेस्टर। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग टैंक है, ठीक है, मिक्सिंग टैंक, तो यहाँ पे क्या है, काउडंग प्लस वाटर, काउडंग फिर प्लांट रेसिड्यूज, तो सबको वाटर के साथ मिला के उसको मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टर में फिर किया जाता है। ये है डाइजेस्टर पूरा, वेर इट इज फेड इनटू द डाइजेस्टर। द डाइजेस्टर इज अ सील चैम्बर इन विच देर इज नो ऑक्सीजन। तो सील चैम्बर है, यानी कि कोई वेंटिलेशन नहीं है, हवा अंदर बाहर नहीं आ सकती, एयर। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउडंग स्लरी, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि बैक्टीरिया और फंगी, तो वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब काउडंग फिर प्लांट रेसिड्यूज वेजिटेबल वेस्ट सीवेज,
उसको वो डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो एनऑर्गेनिक एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउडंग स्लरी। तो काउडंग जो स्लरी है तो वो यहाँ से यहाँ आ गए डिकम्पोजर डाइजेस्टर में, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होगा। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कम्प्लीट एंड जनरेट गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं, टेक सम डेज, फ्यू डेज लगते हैं, 7 to 15 days हम कह सकते हैं फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कम्प्लीट। तो स्टार्ट तो फर्स्ट डे से ही हो जाता है लेकिन उसको टाइम लगता है धीरे धीरे, उसके बाद वो कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद वो गैसेज जनरेट करता है मीथेन, तो मीथेन का हमें फॉर्मूला पता है CH4, ठीक है। तो वो यहाँ पे फॉर्म होगा और ये ऊपर के साइड है, नीचे स्लरी रहेगा डिकम्पोज होने के बाद, ऊपर गैस फॉर्म होगा क्योंकि गैस हल्का होता है तो गैस ऊपर जाएगा और ये लिक्विड है तो वो नीचे रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, फिर हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। तो ये ऐसे गैसेज जनरेट होते हैं डिकम्पोजिशन से। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज। तो ये बायोगैस जो प्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ स्टोर होगा, टैंक के में, डाइजेस्टर के अबव। तो ये डाइजेस्टर उसके अबव यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ से वो पाइप्स, तो यहाँ देख रहे हैं पाइप्स लिए हुए, तो पाइप से हम यूज के लिए ले सकते हैं। दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज, तो यहाँ से ये जो वाल्व है उसको ओपन करेंगे तो गैस हमें मिल जाएगा और बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। अगर बंद रखते हैं तो गैस अंदर ही स्टोर रहेगा, अगर यूज करना है तो वो ओपन कर दो तो हो जाएगा। तो ये गैस आउटलेट है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेंट्स अप टू 75% मीथेन। तो बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि वो 75% मीथेन है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, तो मीथेन जब बर्न होता है तो वो स्मोक नहीं होता, कोई भी धुआं नहीं होता प्रोड्यूस। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एस इन वुड, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो बाद में एक एस रहती है, मतलब वो जो अस्थि बोलते हैं ना वो रहती है, ठीक है। तो वो इसमें नहीं रहती, अस्थि तो नहीं कह सकते लेकिन राख बोलते हैं ना वो। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एस इन वुड, चारकोल एंड कॉल, तो वुड बर्न करें, चारकोल बर्न करें या कॉल बर्न करें तो बाद में जो एस रहती है, लेकिन मीथेन के इस केस में नहीं होती। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, तो वो ज़्यादा आउटपुट देती है एफिशिएंसी। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, ठीक है, उसको जला के हम लाइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव पीरियोडिकली एंड यूज एज एक्सीलेंट मैनर, यानी कि वो अच्छा सा खाद है, फर्टिलाइजर है, रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस, तो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फरस भरपूर होता है। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल्स प्रोवाइड्स अ सेफ्टी सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाई एनर्जी एंड मैनर। तो बायोगैस प्लांट के यूसेज क्या हैं, ठीक है, एक तो वेस्ट, तो ये जो काउडंग था, वेजिटेबल वेस्ट था, सीवेज वेस्ट था, तो उसका डिस्पोजल इजी हो गया। उसके बाद हमें मिला बायोगैस, मिला थर्ड, मिला मैन्योर फर्टिलाइजर, ठीक है, और एनर्जी भी मिला। तो डू यू थिंक दैट बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बायोमास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं क्योंकि हर साल प्लांट ग्रो होने वाला है, काउडंग होने वाला है, तो उससे हम बायोगैस प्लांट करें तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है।